एक किसी को अगर फांसी की सज़ा होती है 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल, वो उस सज़ा के बाद भी जेल में रहता है, पर डे 450 के हिसाब से उसके ऊपर हम खर्च भी कर रहे हैं, तो फिर ये अपने आप में आपको लगता है कि अगर फांसी है तो देना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए सब कुछ? मेरा ख्याल है हर चीज़ के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए, मगर आपका जवाब देने से पहले मैं दो छोटी पर्सनल बातें रखना मांगता हूँ। पहले तो मैं नतमस्तक हूँ निर्भया की माँ और उसके आंसू के सामने, और उसके सवालों का कम से कम मैं तो जवाब कभी दे ही नहीं पाऊँगा। उसी से एक जवाब आता है, सवाल अक्सर आता है, ट्रोल्स और बाकी लोग पूछते हैं कि क्या अगर आपकी बीवी और आपकी बेटी का रेप होता तब भी क्या आप डेथ पेनल्टी को अपोज करते? तो मैं खैर इस बड़े फोरम पे भी कहना मांगता हूँ, मेरी 72 साल की बीवी है और 44 साल की बेटी है और मैं खुद हूँ, किसी के साथ होता मेरा पोजीशन वही रहता। एक्टिविज्म और डेथ पेनल्टी का पोजीशन एक मॉरल पोजीशन है, एक्टिविज्म कोई पेशा नहीं है, और उस मॉरल पोजीशन को आने के लिए एक रीजनिंग है, एक आर्गुमेंट है। आपने जो सवाल किया, क्या जस्टिस को टाइम बाउंड होना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए, हर क्राइम हर क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज ऑर्डेंड इन लॉ, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। जज साहिबा हैं, रूलिंग देते हैं, उसके बाद कहते हैं जजमेंट रिजर्व या जजमेंट भी देते हैं और कहते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट टू बी फिक्स लेटर। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को जस्टिस से जजमेंट से अलग रखते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। कानून में खुद लिखा है द मोस्ट हीनस, घृणित से घृणित ज़्यादा, आप ग्रेडेशन कर रहे हैं क्राइम्स की, उनकी रम की जिसमें अंतर्गत पुराने ज़माने में सज़ाए मौत थी 302 के अंतर्गत, अब उसमें ग्रेडेशन कर रहे हैं कि किसको सज़ा मौत जाने। तो आपका जो आर्बिट्रेटर का रोल था, आर्बिट्रेशन का रोल था, आपने अपने आप को इंसान से लेके अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान ने। यहाँ पर एक बेसिक सवाल है, जस्टिस किसको मिलेगा जिसका क्राइम प्रूव हो? जज साहब ने बात की और हम खुद हम जानते हैं जब रेप होता है इन्वेस्टिगेशन ही सब कुछ है, वहीं पर डिसाइड हो जाता है फांसी होगी या नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक है, फुल प्रूफ है, विटनेस प्रोटेक्शन है, विटनेस आ रहे हैं, पुलिस साथ दे रही है, सारा प्रोसेस चलता रहेगा और रूटीन में भी जजमेंट जल्दी आ जाएगा। जहाँ पर फॉरेंसिक्स ठीक नहीं है, जहाँ पर हैदराबाद में किस्सा फंस जाता है, जहाँ पर ट्रेन पर्सनल नहीं है, वहाँ पर कैसे होगा? प्लस सोशल फैक्टर्स, दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में तब भी ये तो हेवन है, गांव में क्या होता है, क्यों आधे मुजरिम पकड़े नहीं जाते हैं अपनी जात से, अपने पेशे से, अपने पैसे से, अपनी औकात से? हम लोग सब इलीट हैं, वहाँ पर क्या होता है पुलिस वाला किसी MLA की गरेबान पे हाथ डाले, वो तो कलेक्टर नहीं डाल पाता है। तो जस्टिस का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल आ जाता है सामने, और वहाँ पर डेथ पेनल्टी जस्टिस नहीं, एक फ्रेज हो जाता है, उसको अगर जन्म कैद भी दे दी जाए जिसने क्राइम किया है तो काफ़ी है। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, जस्टिस की बात कर रही है, दो चीज़ें हैं, हम सब बहुत बात करते हैं कि इंसाफ पे इतना टाइम क्यों लगता है, इतना वक्त क्यों लगता है, जबकि जो हमारा पूरा क्रिमिनल सिस्टम है IPC और CRPC में, उसमें क्लियर है, आप तमाम सब होनहार लोग बैठे हैं, CRPC में मेंशन है कि एक मर्डर की सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए, उसी तरीके से रेप के मामले में है कि 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इस केस का निपटारा होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बावजूद भी इतने साल जो लगते हैं, अगर ये सारी चीज़ें CRPC में मेंशन है कि 6 महीने में इस केस का फैसला होना चाहिए, डे टू डे मर्डर की सुनवाई होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं होता? अदालत का जो ये मजाक है अदालत के अंदर ही कैसे फिर उड़ता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन अगर कम्प्लीट हो तो कोई कारण नहीं कि ट्रायल इमिजिएटली शुरू ना हो। जहाँ तक मेरा मेमोरी जाती है, 60s तक SHO अपनी अपनी मर्डर मैटर में अपनी विटनेस सारी लेके कोर्ट में आता था और कैंप लगा के बैठता था, हर विटनेस को एग्जामिन हो करता था और 3 महीने में फैसला हो जाता था। आज क्यों नहीं हो रहा? अब नीरज कुमार जी ने कहा कि जी पुलिस अगर वहाँ जाएगी JNU में या जामिया इस्लामिया में तो वो हम कैसे छोड़ दें इन्वेस्टिगेशन वाले को? इन्वेस्टिगेशन इज़ ए स्पेशलाइजेशन, ये नहीं आप मिक्सअप नहीं कर सकते, नॉर्मल पुलिसिंग वाले को आप दे दो इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन वाले को दे दो नॉर्मल पुलिसिंग करने के लिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हो केस सक्सीड नहीं हो सकता,
और केस आगे चल भी नहीं सकता। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप देखोगे कोर्ट का रिकॉर्ड शो करेगा कि एफआईआर ही चार चार छः छः महीने के बाद फाइल हो रही है, तो कैसे ट्रायल होगा छः महीने के अंदर, और फिर विटनेस नहीं आ रही हैं। यहाँ तक कि हमें आईओ को वारंट भेजना पड़ा कि तुम क्यों नहीं आ रहे, तो उसका यही जवाब था जी मेरी ड्यूटी लगी हुई थी ट्रैफिक में या किसी वीआईपी के साथ, इसलिए मैं नहीं आ सका। जब विटनेस आईओ तक ही नहीं आ सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशरी इतनी जल्दी काम ख़त्म कर देगी।